दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम आपको दंगे के बारे में बताने जा रहे हैं। दिल्ली में दंगा हुआ, विश्व में कहीं ना कहीं दंगा होता रहता है, तो दंगे के पीछे का कारण हम समझेंगे। दंगे के पीछे का कारण यह है कि जब एक कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे खाना चाहिए, थोड़ा बड़ा होता है उसे और बड़ा कपड़ा चाहिए, और बड़ा होता है पहले थोड़ा खाता था अब थोड़ा ज़्यादा खा रहा है तो उसे भोजन की आवश्यकता बढ़ती जाती है। उसके बाद वह बड़ा होता है, उसके बाद उसकी शादी होती है, उसके बाद उसको घर चाहिए, नौकरी चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं चाहिए। सभी जात के लड़कों लड़कियों को सबको धन चाहिए, सबको सुविधाएं चाहिए, तो ये सारी समस्या रहती है। लेकिन क्या होता है, इन सब समस्याओं से लड़ना आसान नहीं होता है। पृथ्वी पर यदि कोई जानवर पैदा होता है, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सबको संघर्ष करना पड़ता है। उसी तरह से यदि कोई मनुष्य पैदा होता है तो भी उसको संघर्ष करना पड़ता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो एक बच्चे को छोटे से बड़ा होने में काफ़ी समस्या होती है और ज़िंदगी को जीना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। अब बच्चा जो है बड़ा हो गया, उसके माता पिता बूढ़े हो गए, तो खुद का भी परवरिश करना है, अपने बच्चों का भी परवरिश करना है, अपने माता पिता की भी परवरिश करना है, तो इस तरह से एक आदमी पर काफ़ी जिम्मेदारी आ जाती है। आज से लगभग 700 साल पहले धार्मिक आंदोलन चल रहा था, तो धार्मिक आंदोलन में यह हो रहा था, लोग भगवान की पूजा करते थे तो धर्मों का विस्तार था। पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, यानी सब लोग जैसे जानवर होता है, एक जानवर का समूह दूसरे जानवर से लड़ता था, इसी तरह आज से 700 साल पहले भारत में बहुत सारे राजा होते थे और दुनिया में बहुत सारे राजा होते थे, तो राजा हमेशा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध किया करते थे जिससे उनका राज बड़ा हो जाए, विस्तार हो जाए। लेकिन जब ये विज्ञान आया, जब से विज्ञान आया, तो विज्ञान के कारण से क्या हो गया, बहुत सारी सुविधाएं पैदा हो गई। नहीं था विज्ञान, ना होने के कारण से क्या समस्या थी, भोजन ज़्यादा नहीं होता था, लोगों को सुबह और शाम भोजन नहीं मिल पाता था, असुविधा रहती थी। तो लोग एक ग्रुप में रहते थे और एक ग्रुप को एक जाति कहते थे, यानी एक हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई। तो इस तरह 700 साल पहले बहुत सारी विश्व में बहुत सारी जातियाँ थी और जातियों के होने की वजह से क्या होता था, सब लोग आपस में जुड़े रहते थे। जब किसी से युद्ध कर लेते थे तो उनको हरा देते थे तो वहाँ से उनको माल मिल जाता था, धन मिल जाता था, बच्चे मिल जाते थे, यानी काफ़ी आराम हो जाता था। कुछ लोगों का नुकसान हो जाता था, कुछ लोगों का फायदा हो जाता था। तो ऐसे जो है वो जो बीज है अभी वह पेड़ चल रहा। आज विज्ञान का युग है, विज्ञान के युग की वजह से सबको खाना भी आराम से मिल रहा, कपड़ा भी मिल रहा है, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन अभी मानसिकता लोगों की वही है, लोग विज्ञान पे काम करते नहीं, समझदार नहीं होते। तो आप देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा, जाना होगा यूरोप में क्या होता था। आज से लगभग 200 साल पहले यूरोप में बहुत बड़े बड़े दंगे फसाद हुए हैं। वहाँ क्या हुआ है, बहुत सारे यहूदी ईसाई से लड़ जाते थे और भी बहुत सारी जातियाँ हैं, विश्व के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन वहाँ विज्ञान पैदा हुआ, विज्ञान के कारण उन लोगों ने आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ दिया। ताज़ा घटना है, हरियाणा के एक ज़िले में जो है दंगा फसाद हुआ है और वहाँ क्या हुआ है, हिंदू और मुस्लिम आपस में भिड़ गए हैं, लोगों की कारें फूकी गई, गाड़ियाँ फूकी गई, दुकान फूके गए। जैसे 700 साल पहले हम लड़ते थे झगड़ते थे कि दूसरे का नुकसान करते थे और अपना फ़ायदा करते थे, उस समय सरकारें नहीं थी इतना कड़क, जो लूट लेता था वह छूट जाता था। लेकिन आज क्या है, सरकार है, ये लूटोगे पकड़े जाओगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, काफ़ी परेशानी हो गया है। तो इस तरह से ये दंगे का जो है नेचर अभी बना हुआ है। लोगों को शिक्षित किया जाए, समझदार किया जाए कि विज्ञान आज हमको भोजन दे रहा है, आज हमको विज्ञान से हमारा जीवन अच्छा हो गया है। इसके पीछे एक कारण और है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार नहीं है। यदि कोई लड़का छोटा है, उसकी पढ़ाई सही से नहीं होती है, वह सही से भोजन नहीं करता है, उसकी शिक्षा सही से नहीं होती है, यानी वह कमाने लायक नहीं होता है, 14-15 साल 25 साल का आदमी हो जाता है, लड़का लड़की हो जाती है, तो उसे कमाने का सही से आइडिया नहीं पता है, तो इस तरह से और कैसे जीवन अच्छा रहता है, बीमारियों से ग्रसित रहता है, बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित रहता है। लेकिन क्या करता है, वह धार्मिक लोगों के पास जाता है और धार्मिक लोग बताते हैं कि हमारा धर्म संकट में है, चाहे कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो,
क्रिश्चियन हो, दुनिया में बहुत सारी जातियाँ हैं, जातियों में जातियों के जो धर्म गुरु होते हैं वे समझाते हैं कि हमारा धर्म संकट में है और हम अपने धर्म, तो संकट में क्या है, आदमी बेरोजगार है, लड़का बेरोजगार है, उसे क्या चाहिए, उसे अच्छा सा मोबाइल चाहिए, अच्छा सा घर चाहिए, अच्छी सी गाड़ी चाहिए, अब उसकी समस्या कुछ और है। धर्म गुरु क्या समझाते हैं, वो समझाते हैं कि तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी यदि तुम पूरी दुनिया में एक ही धर्म के लोग हो जाएंगे। तो बच्चे को समझ में नहीं आता, आदमी को समझ में नहीं आता है, वो अपनी समस्या को भूल करके वो अपने धर्म को बढ़ाने में लग जाता है। तो इस तरह से ये दंगे होते रहते हैं। तो दंगे के पीछे का कारण है जो ये धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि हमारा धर्म संकट है। कोई हिंदू है कहता हिंदू धर्म संकट में है, कोई मुस्लिम है तो कहता मुस्लिम धर्म संकट में है, कोई ईसाई है कहता है ईसाई धर्म संकट में है, कोई क्रिश्चियन है कोई कहता हमारा क्रिश्चियन धर्म संकट में है, और इस तरह से सब लोग अपने धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं। तो विस्तार के कारण से, विस्तार की मानसिकता के कारण से इस तरह का दंगा होता है, कत्लेआम होता है। तो इस तरह के दंगे को रोकने के लिए इन सब कारणों पर यदि हम जानेंगे तो दंगा रुक जाएगा, कम हो जाएगा। नमस्ते।